हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, ठीक, ओके ओके। हाँ, देख लेते हैं। अब हमको बहुत आता नहीं है, हम जो हैं सब कविताएं पढ़ते रहे हैं। ओके ओके ओके। मित्रों, अर्पण जी का आग्रह था कविताएं पढ़ने का। मैं इसके लिए बहुत सहज हूँ नहीं इन चीज़ों के लिए, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो मैं कविताएं पढ़ना शुरू करता हूँ। अर्पण जी का आग्रह है कि कुछ और रचना प्रक्रिया आदि के बारे में बताएं, तो बीच में मैं कोशिश करूंगा कुछ और बातें करने की। आ रहा है लाइव ना? ठीक है। पहली कविता का शीर्षक है पता नहीं। नवाबों के शहर लखनऊ के ताज होटल के आईने में तस्वीर देखता हूँ अपनी, आदम कर। ओह, क्या बकवास है, कपड़े तो ठीक ठाक हैं, रंग मेरा ही दब सा रहा इस चकाचौंध में। ना आंखों में चमक, न बालों का रंग ठीक ठाक। पता नहीं यह गड़बड़ आईने में है या अब लौटना है लखनऊ से। बता रहे विनय कुमार कि बस स्टेशन पहुंचकर आम आदमी रह जाएंगे हम, दोनों हाथों में सामान टांगे भागते घिसटते। प्लेटफार्म पर वेटिंग लिस्ट तलाशता भागता, पसीना पसीना होता, आखिर पा जाता हूँ नंबर, सीट अपनी। सामने छोटे से आईने में दिखता है चेहरा। अरे रे, वाह भाई वाह, लो निखर आया चेहरा। फिर कविता है अमरता। और क्या है अमरता, सोचता हूँ तुम्हें निहारता हुआ। यह जो टिक गया है मन तुम्हारे इर्द गिर्द, गुजरता है वक्त, रात दिन मास वर्ष, पर तुम हो वैसी की वैसी, वह पहली निगाह, विस्मय बोध से भरी तरल सी और अंतिम बेधती सूली पर चढ़ाती सी। लटका हूँ वहीं आज तक, अटकी है सांस मृत्यु और अमरता के मिलन बिंदु पर। चैनल्स का बहुत जोर है इधर, और चैनल की राजनीति से हम सब प्रभावित हो रहे हैं। ये कविता अरसे पहले लिखी गई है, जब चैनल्स की भाग दौड़ एक तरह से बढ़नी आरंभ हुई थी। कविता का शीर्षक है लाफिंग चैनल्स। लाफिंग चैनल्स। बलात्कार का आरोपी मुस्कुराता है, दंतुरित मुस्कान, कहता है पहली बार जब उसने चौखटा खोला था तो बाबा ने गालों पर चुटकी लेते कहा था, बच्चा जहीरन ए नाही हसल कर रही, तुर भभीक उज्जवल रहतो। कि तभी टीआरपी का जमाना आ गया,
तब से जो 32वीं अटकी है सो अटकी है उसी एंगल पर। अब झारखंड में दलित युवती को नंगी कर दौड़ाएं दबंग, उसे क्या? टीआरपी बढ़ जाने तक वह तो दिखाएगा ही उसकी नंगी देह को। कुड़कुड़ाते रहें लोग, आखिर जाएंगे कहाँ? बलात्कार का आरोपी मुस्कुराता है दंतुरित मुस्कान, और पगड़ी साफा बांधे हत्या का आरोपी लगाता है ठहाके, वाह बेटा चलल चले नहीं टीआरपी केर धुन पर। एक कविता है चलते चलते। एक खाली बस एम्स से जोरबाग को चली ही थी कि एक बदहवास प्रौढ़ा एक खाली बस एम्स से जोरबाग को चली ही थी कि एक बदहवास प्रौढ़ा अपनी सीट छोड़ भागी। अरे बम है क्या कि एक छिपकली कूदी कमर से उसकी, साथ की नवविवाहिता भी संकोच में डूबी, बचती बचाती सी फिर से बैठी सीट पर। कितनी गोरी लंबी सी गर्दन चमकीला सूट, याद आ रहा कुछ, हाँ हाँ नवारुण जी की मैडम, वैसे ही बड़ी चांद सी बिंदी, तो क्या पूछूं शायद, पर मैडम से ही पिछले 12 सालों में कहाँ कुछ पूछ पाया था। दबी सी मुस्कान के साथ दुआ सलाम, फिर पुआ पीठा चाय खाते खूब बिना सराहे। लो स्टॉपेज आ गया, चलो भागो, अररे क्रॉसिंग भी पार कर गया, अब चले चलना है बस छैया छैया फुलवारी के बीच से। दोपहरी में जमीन पर कुत्तों सी सुस्ताती, गिलहरियों का आलस्य भगाते, देखते नजारा रोज का वही कुबड़ी किशोरी वो अन्य बच्चियाँ चमचमाती बंद कारों के आगे दयनीयता पसारती। बोतल निकाल मारता हूँ गटागट, अरे कितने जामुन गिरे हैं, भागता भागता एक सुघड़ जामुन उठाकर डालता हूँ मुँह में, चबा जाता हूँ बीज तक, कसैलेपन से भुथड़ा जाती हैं पेशियाँ जीभ की, फिर पानी गटागट, अब एक जेबरे पर सवार हो क्रॉसिंग पार करता हूँ। पार्क नुमा घेरे में आ बटुरे हैं कर्मचारी, ताश खेलते सिगरेट धूकते, सामने पेड़ों के नीचे कारें भी ऐसे कतार में हैं जैसे फैली हों, सामने पेड़ों के नीचे कारें भी ऐसे कतार में हैं जैसे फली हों पेड़ों की जड़ में। अरे रे निबोलियाँ कितनी हैं, उठाता हूँ एक, मीठापन आ रहा है इनमें। लो आ गया साईं बाबा का मंदिर, भिखारियों की पात दानियों की जमात। आवाज जा रही है कि नहीं कुछ हमको पता नहीं चल रहा है। आवाज जा रही है।
पढ़ता हूँ। जा रही है, जा रही है आवाज। ये एक तरह से पहला कविता संग्रह है परिदृश्य के भीतर, 2000 में करीब यह प्रकाशित हुआ था। इसी से कुछ कविताएं हैं। कविता है कौआ। रोटी का एक त्रिपटांग टुकड़ा मुंह में लिए हुए अपनी क्षैतिज उड़ान उड़ा जा रहा है कौआ। रोटी का एक त्रिपटांग टुकड़ा मुंह में लिए हुए अपनी क्षैतिज उड़ान उड़ा जा रहा है कौआ। उसकी खुशी देख लगता है कि वह हितोपदेश या पंचतंत्र की कथाओं से निकलकर भागा आ रहा है। कौए को शायद नहीं पता कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कितना खाद्य अखाद्य बना डाला है, संस्कृतियों के इतने रंग बिरंगे टीलों को छोड़ गंगा की ओर मुंह किए कहाँ भागा जा रहा है कौआ। क्या किसी बाल गोपाल की चीख अब भी उसका पीछा कर रही है? अगली कविता है चौकियां, चौकी जिस पर हम सोते हैं। जब खच्चरों और गधों पर अंटी नहीं होगी खानाबदोश जिंदगी, थोड़ा और सभ्य, थोड़ा और जड़ होने की जब जरूरत महसूस हुई होगी, तब मस्तिष्क के तहखाने से बैलगाड़ियों के साथ साथ निकली होंगी चौकियां भी। शायद उस काल भी थे देवता जो चलते थे पुष्पकों से या मंत्रों से, जो आज भी जा रहे हैं चांद और मंगल की ओर। तब से चली आ रही हैं बैलगाड़ियां भी सभ्यता का बोझ ढोती। जब B-29 पर लदे परमाणु अस्त्र हिरोशिमा पर सभ्यता का भार हल्का कर रहे थे, एक घुमक्कड़ खच्चरों पर अपनी सभ्यता लादे तिब्बत से लद्दाख का रास्ता तलाश रहा था, उसी समय कलकत्ते में लोग चौकियों पर चौकियां जमा रहे थे। चांद की ओर जाने का यही ढंग था उनका। पुतैये, ये कविता बिहार के नरसंहारों पर है, 1999 और उसके आसपास के सालों में जो त्रासद घटनाएं यहाँ घटती थी उन्हीं को लेकर है यह कविता। पुतैये, पुतैये माने पोतने वाले, पुताई करने वाले। रात भीगना था ओस में जिन चूल्हों को, सुबह पुतना था मिट्टी गोबर पानी और धूप से, पुत गए हुए अपनों ही के खून से। पुतैये आए थे रात जमात में, रात भीगना था ओस में हेलो हाँ अभी अभी जरा लाइव इस पर है, ठीक ना, बाद में बात करते। ओ फिर से वो कविता को पढ़ रहे हैं। पुतैये, रात भीगना था ओस में जिन चूल्हों को, सुबह पुतना था मिट्टी गोबर पानी और धूप से, पुत गए हुए अपनों ही के खून से। पुतैये आए थे रात जमात में, यूं चरमराया तो था बांस की चाचर का दरवाजा, प्रतिरोध किया था जस्ते के लोटे ने, ढनमनाया था जोर से, चूल्हे पर पड़ा काला तवा भी खड़का था नीचे गिरते हुए। पर बहादुर थे पुतैये, बोलती बंद कर दी सबकी, चूल्हे की तरफ मुंह बा दिया सबने। चूल्हे की राख में घुसी सोई थी बिल्ली जो मारी गई, पिल्ले भी मारे गए सोए पुआल पर। अगली कविता है साधु न चले जमात।
साधु जमात में नहीं चलते हैं जैसे कि मान्यता है। ऊंटों पर अन्न की बोरियां लादे जमात में आए हैं साधु भिक्षान्न मांगने। आओ बेटा देखो ऊंट, साधु देखो, संकटापन्न प्रजाति है यह, बिहू बिरहोरों सी, चीते और लाइगर की तरह गायब हो जाएंगे ये भी एक दिन। एयर इंडिया के प्रतीकों में जैसे शेष है महाराजा, रानियां म्यूजियमों में, यूं ही साधु भी रह जाएंगे स्मृतियों में हमारी। नगर का संकट दूर करने आए हैं साधु, संकट रह जाएंगे ज्यों के त्यों और गायब हो जाएंगे साधु यज्ञ से उठते धुएं की तरह। पहले रक्षा करते थे राम लक्ष्मण यज्ञों की, आज राम लक्ष्मण की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ कर रहे हैं साधु। साधु जो पहले रह लेते थे जंगलों में, जहां आज रह रहे हैं उग्रवादी, वहां से बाहर आ गए हैं साधु और घूम रहे हैं नगरों में जट के जट। अब एक कविता पढ़ते हैं, एक उर्सुला होती है संकलन से। आवाज तो जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कविता का शीर्षक है उड़ान हूं मैं। यह कविता रानी राइनेर मारिया रिल्के के लिए, उनको समर्पित है। उड़ान हूं मैं, चीजों को सरलीकृत मत करो, अर्थ मत निकालो, हर बात के माने नहीं होते। चीजें होती हैं अपनी संपूर्णता में बोलती हुई, हर बार चीजें होती हैं अपनी संपूर्णता में बोलती हुई, हर बार उनका कोई अर्थ नहीं होता। अपनी अनंत रश्मि बिंदुओं से बोलती, जैसे होती हैं सुबहें, जैसे फैलती है तुम्हारी निगाह, छोर अछोर को समेटती हुई, जीवन बढ़ता है हमेशा तमाम तय अर्थों को व्यर्थ करता हुआ एक नए आकाश की ओर। हो सके तो तुम भी उसका हिस्सा बनो, हो सके तो तुम भी उसका हिस्सा बनो। तनो मत बात बेबात, बल्कि खोलो खुद को। अंधकार के गर्भगृह से जैसे खुलती हैं सुबहें, एक चुप के साथ जिसे गुंजान में बदलती भागती है चिड़िया अनंत की ओर, और लौट कर टिक जाती है किसी डाल पर, फिर उड़ जाने के लिए। नहीं, तुम्हारी डाल नहीं हूँ मैं, उड़ान हूँ मैं, फिर। एक लंबी कविता इसी संकलन से,
ये कविता है परिदृश्य के भीतर में, बारिश। पहले बड़ी बड़ी छितराती बूंदें गिरी और सघन होती गईं। सामने मैदान में चरती गाय ने एक बार सिर ऊपर उठाया, फिर चरने लगी और बछड़ा बूंदों की दिशा में सिर घुमा डहाई सा मारने लगा और हार कर आखिर गाय से सटकर खड़ा हो गया। एक कुत्ता पूंछ थोड़ी सीधी किए करीब करीब भागा जा रहा है, जैसे बूंदें उसका जामा भिगो रही हों। बूंदें गिर रही हैं एक तार। पहले गाय की पीठ भीग कर चितकाबर हो जाती है, फिर टघर कर पानी कई लकीरों में नीचे चूने लगता है और नक्शा बनने लगता है कई मुल्कों का। लकीरें बढ़ती जाती हैं और एकम एक होती जाती हैं। नीचे गाय के पेट की ओर थोड़ी जगह सूखी है, जैसे बकरे की छाल चिपकी हो। अंत में करीब करीब वह भी मिटने लगती है। बूंदें एक तार गिर रही हैं। अब कभी कभी गाय को अपनी देह फटकारनी पड़ती है, सिर को झिंझोड़ पानी झाड़ना होता है, पर उसका चब्बर चब्बर चरना जारी रहता है। बूंदें गिर रही हैं एक तार। दो घरेलू और एक पहाड़ी मैना पोल से सटे तार पर भीग रही हैं। तार की निचली सतह पर बूंदें दौड़ लगा रही हैं। एक बूंद बनती है और ढलान की ओर भागती है और वह दूसरी बूंद से टकरा जाती है, फिर तीसरी बूंद नीचे आ जाती है। बची बूंद दौड़ती है आगे की ओर। यह चलता रहता है। बूंदें गिरती रहती हैं एक तार। नगर का नया बस्ता हिस्सा है यह। भूभाग खाली हैं अधिकतर। एकाध मकान बन रहे हैं। काफी पानी गिरने पर काम बंद हो जाएगा, इसीलिए शुरुआती बारिश में काम तेज है। सिरों पर बोरियां डाले मजदूर भाग रहे हैं। छाता लिए ठेकेदार ढलाई ढकवा रहा है। नीचे घास मिट्टी की सड़क पर मारुति में बैठा मालिक टुकुर टुकुर ताक रहा है। कभी शीशा जरा सा खिसकाकर कुछ चिल्लाता है वह, तो मजदूर धड़फड़ाने लगते हैं। पर आखिरकार बारिश उसका शीशा बंद करा देती है और मजदूर हथेलियों से पसीना मिला पानी पोंछते भागते रहते हैं। बारिश टिक गई है। सीमेंट बहने लगा है, कम पड़ रहा है पॉलीथीन। ठेकेदार काम रुकवा देता है। मजदूर सुस्ताते हुए आकाश ताकने लगते हैं। डर है कि बारिश दोपहर बाद का काम बंद ना करा दे। बूंदें गिरनी जारी हैं। थोड़ी दूर आगे छत पर अधबने मकान की बिना चौखट की खिड़की पर ननद भौजाई आ बैठी हैं। लगता है खाना बना चुकी हैं वे और नहा कर ऊपर आई हैं। ननद ने गुलाबी मैक्सी डाल रखी है और भौजाई भी गुलाबी साड़ी में है। एक दूसरे पर दोहरी होती केसों में कंघी कर रही हैं वे। अचानक वे उठकर सीढ़ियों को भागती हैं। किसी को भूख लगाई होगी। बूंदें गिर रही हैं जैसे पूरे दृश्य को किसी ने तीरों से बींध डाला हो। पूरा दृश्य फ्रीज है। बस चींटियाँ भाग रही हैं, अपना ठिकाना बदल रही हैं। वो पंक्ति में बीच में रानी चींटी है। पीछे से मोटी सी छोटे पंखों वाली कुछ चींटियों ने अंडे उठा रखे हैं। बीच में कभी कोई कीड़ा आ जाता है तो पंक्ति टूटती है और उसे भी साथ लेकर चल पड़ती हैं वे। फिर वही पंक्ति इस कोने से उस कोने, इस जहान से उस जहान। अर्पण जी का आग्रह था कि कुछ रचना प्रक्रिया पर भी बात हो। मैंने कैसे कविताएं लिखनी शुरू की, तो इसमें कुछ खास जैसा नहीं है। हमारे पिता जो हैं सो इंग्लिश के टीचर थे और उनकी टेबल पर नामवर सिंह की किताब
दूसरी परंपरा की खोज में मुक्तिबोध की पुस्तक भूरी भूरी खाक धूल ये सब पढ़ी रहती थी। हालांकि पिता ये सब को कब पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे, इन चीज़ों का हमको पता नहीं चलता था। किताबें पढ़ी रहती थी तो मैं उन्हें पलटता रहता था। उसमें जो कवितांश मान लीजिए दूसरी परंपरा की खोज में है, रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ, बिल्लियाँ भागती हैं और क्या क्या, इस तरह से टुकड़े, उनको मैं पढ़ता था। तो लगता है कि इस तरह से एक भीतर एक बनावट जो है कवि होने की तैयारी अघोषित रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चल रही थी। फिर आगे इंटर उंटर के बाद बीए में चार मित्र थे, एक शैलजा दत्त पाठक अभी लखनऊ में हैं, एक अच्युतानंद कर्ण थे, नहीं रहे वो, एक राजेश सिंह थे, आशिक लगाते थे नाम में। तो ये तीनों मित्र कविताएं लिखते थे मुझे छोड़कर, और कुछ छनिकाएं ये सब तो अखबारों में छपती थी उनकी। तो मुझे लगता था कि भाई क्या है, वो थोड़ा सा वो उछलते थे कि भाई हमारी चीज़ें छपी हैं। तो मैंने पहले तो उन्हें ध्यान से पढ़ा कि क्या लिखते हैं, फिर मुझे लगा कि अच्छा यही लिखना जो है सो कविता कहानी कुछ लिखना कहा जाता है। तो मैंने कुछ वैसा ही लिखा और पोस्ट कार्ड पर अखबारों को भेज दिया। उस समय मैंने 88, 89, 84, 86, 85 का साल होगा, तो प्रदीप और आर्यावर्त ये दो अखबार निकलते थे उस समय, अंग्रेजी में था सर्च लाइट। तो उनमें मैंने जो कुछ था अपना लिखा हुआ लघु कथा या छनिका ये सब भेज दी। तो पहले ही लघु कथा प्रदीप में छप गई और उस जमाने में उसका 15 रुपया मनी ऑर्डर आया। पिता कड़क प्रिंसिपल थे, पॉकेट खर्च कुछ खास मिलता नहीं था, जो चाहिए भाई ला देंगे, जो चाहिए मतलब क्या, जो पढ़ने की चीज़ें हैं वही लाएंगे, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये सब थ्योरी थी उस समय जो अब उलट गई है। अब तो है कि जो खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, अब पढ़ोगे लिखोगे जाओगे जेल। तो लेकिन वही जब मनी ऑर्डर आया तो लगा कि भाई तो लिखने से पैसा ही मिलता है। उसके बाद फिर छनिकाएँ लिखे, तो ये सब आर्यावर्त में, फिर आर्यावर्त में कविताएँ भी छपी, और इस तरह से ये मतलब ध्यान गया। सामने में हमारे एक सेक्रेटरी साहब थे, अब लगता है कोई IAS होंगे जिनको पिताजी से उनकी मित्रता थी, सुबह सुबह टहलते वहलते थे, पिताजी भी टहलते थे। तो हमारे पहले श्रोता वही थे, अब तो पता भी नहीं, उनका नाम भी याद नहीं है, गया हो या कुछ थे कहीं के, तो कुछ भले थे। वो हमारी सब कविताएं सुनते थे, वो सारी कविताएं जो बाद में मुझे छापने लायक नहीं लगी, जिन्हें सुनकर वो बहुत वाह वाह करते थे। तो इस तरह से हमारा मतलब प्रोत्साहन जो है सो मैंने मिला मुझे। पिता भी बहुत प्रोत्साहित, उस तरह से तो सीधे नहीं करते थे, लेकिन कोई बाधा भी उस तरह से नहीं थी। पहली किताब पर उन्होंने बकायदा मैंने कुछ भूमिका उमिका होती है तो उसके बाद उन्होंने भी एक पैरा लिखा। हालांकि वो कहते थे कि केदारनाथ मिश्र प्रभात को देखो, वो नौकरी भी करते थे, करते हैं थे और कविता भी लिखते थे, तो तुमको भी कुछ नौकरी वोकरी करनी चाहिए। पर पता नहीं उस समय जो संगत थी तो लगता था कि अरे क्या कुछ मतलब देश दुनिया बदलना या जो कुछ होता है लेखक बनने की प्रक्रिया में चलती थी, अच्छा जो होगा सो देखा जाएगा टाइप से। फिर पहली किताब जो है सो पिता ने छपवाई, ये उसे मैं अब नहीं गिनता हूँ उस तरह से संकलनों में अपने, समुद्र के आंसू, तो उस पर ब्लर्ब और भूमिका लिखाने की बात थी। तो कुमार बिमल थे उस समय BPSC के चेयरमैन, ये सब भी थे। उसके अलावा उनकी ख्याति थी कि भाई उन्होंने महादेवी वर्मा और पंत की भूमिकाएं लिखी थी। तो मैं किसी तरह से उनके यहाँ चला गया और मिला तो बहुत मैंने, ऐसे भी सौंदर्य शास्त्र पर उनकी किताब थी और उनका व्यवहार बहुत ही मधुर था, दो तीन मुलाकात हुई उस समय। तो
मैंने अपनी पांडुलिपि जो तैयार की थी आगे कविताओं की काट छांट करके, तो वो दी उन्हें। तो वो कहे कि तुम में बहुत धैर्य है, कुछ इस तरह की बात कि तुम राइज करोगे जो कुछ, और कुछ लिखी टिप्पणी। तो पिताजी संतुष्ट हुए कि भाई पंत वंत और भाई इनकी भूमिका लिखने वाले ने बेटे पर की किताब पर लिख दिया है तो कुछ बात होगी। इसी तरह से फिर दूसरी किताब भी आई जो पिता नहीं छपवाई। तो उस समय तक बहुत मालूम नहीं था चीज़ों के बारे में, समीक्षा वमीक्षा इस सब के बारे में, वहाँ ये सब चर्चा भी नहीं होती थी। हमको लगता है कि लेखकों की मुख्य धारा से मैं जुड़ा नहीं था उस समय तक। तो कुछ मित्रों की राय पर किताबें कुछ जगह भेजी गई, जैसे हिंदुस्तान में अखबार में हमने किसी मित्र ने कहा तो भेज दिए। उन लोगों ने बताया कि कुछ समीक्षा होती है, कुछ लेखकों को भेजी जरूर, उनका पता था मालूम, और मैंने हंस और इस सब सारिका वारिका पढ़ते थे तो उसमें पता होता छपता था। तो विष्णु प्रभाकर को, प्रभाकर माचवे को, इन लोगों को किताबें भेजी। तो ये लेखक लोग बहुत उस समय मतलब नई पीढ़ी को मैंने गंभीरता से लेते थे, भाई अच्छा खराब जो लिख रहा है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। कहे कि प्रभाकर माचवे ने उस किताब में भाषा की गलतियां तो लिखी ही, उस पर एक प्रकाशनार्थ सम्मति भी अलग से लिख दी, दो पेज का लंबा सा पत्र। तो इससे बहुत आत्मबल बढ़ा कि भाई मुक्तिबोध युक्तबोध के साथ रहे हैं ये लेखक बड़े हैं, भाई इन्होंने लिखा है। हालांकि बाद में जब विकास हुआ तब लगा कि अच्छा ये कविताएं तो बहुत कमज़ोर हैं। फिर हम उन दोनों संकलन से दो तीन कविताएं लोगों को अभी भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत कमज़ोर है। फिर उस समय वहाँ पर मिथिला मैथिली के कवि थे, महाप्रकाश जी थे, गुजर गए, हमारे गुरु एकमात्र कहा जा सकता है कि वो गुरु थे। राजकमल चौधरी के गांव महसी के ही थे, स्वाभाविक है राजकमल चौधरी और इस सब के बारे में जो भी जानकारियाँ थीं पहली बार उन्हीं से मिली। हमारा पहला लेख जो राजकमल चौधरी पर था उन्होंने ही उसको छपने को पटना भेजा। मणिकांत ठाकुर थे बीबीसी में बाद में रहे और रिपोर्टर, उस समय जनसंदेश निकालते थे, जनसंदेश टाइम्स, उसमें वो लेख छपा। तो इस तरह से होता कि था कि शुरू में जो लिखते थे तो वो ठीक ठाक लगता है कि जगह पर छप जा रही थी, तो इससे एक आत्मबल बढ़ जा रहा था। हालांकि आगे फिर पत्रिकाओं को और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। जब थोड़ा सा विकास हुआ तो फिर लोगों की राजनीति दिखे देखें कि उससे ज़्यादा विकसित चारों तरफ थी, कुछ लेखक संघ ये वो। तो मैं किसी लेखक संघ में लंबे समय तक नहीं गया, दिल्ली आने के बाद थोड़ा बहुत जुड़ा जसम से, और फिर हमको लगा कि भाई संगठन लेखक को थोड़े बनाएंगे, और लेखक जो लिखेंगे उखेंगे उसी से संगठन होगा। लेकिन वो लोकतंत्र की तरह की हालत जो है सो लेखक संगठनों की भी है, जनता बनाती है लोकतंत्र को कि नेता बनाते हैं, अब तो देखिए सब तमाशा दिख ही रहा है। इसी तरह से फिर मैं महाप्रकाश जी से मिला तो लोगों ने कहा कि वो तो बहुत डांटते उठते हैं, बहुत मैंने जो छवि बताई गई कि बहुत गंभीर हैं और कड़क है कि तुम अभी उस लायक हो नहीं। तो मिले तो उनकी मुद्रा उद्रा तो सब गंभीर थी, लेकिन उन्होंने कुछ सुधार उधार ये सब बताया। अगली बार फिर गए, फिर बहुत गहरी दोस्ती हो गई उनसे। फिर भरी दोपहरी में घर से निकल कर चले जाते महाप्रकाश जी के यहाँ, इसी में बाल सफ़ेद हो गए सब धूप में घूम घूम करके। रात के 10 बजे तक उनके साथ घूमते हुए फिर साइकिल लेकर घर लौटते। पिता इधर चिड़चिड़ाते रहते कि भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा, कविता करे ठीक है लेकिन कुछ काम धाम भी करना चाहिए। यही सब राम कहानी है, कुछ कविताएं और सुना देते हैं फिर उसके बाद काफ़ी है। इतनी कविताएं इस तरह से सुना लगता है कि लोग बोर हो रहे होंगे। ये कविता है एडवेंचर। फाइव स्टार सा माहौल है यहाँ, फाइव स्टार सा माहौल है यहाँ, हर सै सालीन कताई में बुनी सी, हाथ बांधे खड़ा सन्नाटा है द्वार पर
एक खड़कन पर कुछ भी हाजिर कर देने को तत्पर। खिड़की पर पेड़ हैं खड़े, ढलती धूप में सिर हिलाते से, शीशे की दीवार है बीच में, पर एसी की हवा से पैदा कमनीयता शीशे के आर पार बहती सी लगती है। साथ बैठे हैं कुछ भले लोग, मित्रों जैसे, शत्रु तो कोई रहा नहीं इस जमाने में। शत्रुता अब मुद्दा है राष्ट्रों और संस्कृतियों के मध्य तकरार का। व्यक्ति के स्तर पर सारे झोल समाप्त किए जा चुके हैं, सब बतियाए जा रहे हैं आपस में। करोड़ों की बात मत कीजिए, हर ऐरा गहरा करोड़ों में है। और हवाई यात्रा तो ऐसी सुलभ है अब, लोग ट्रेनें छोड़ हवाई जहाज से चलने लगे हैं। और भैया हवाई अड्डे भी हो गए हैं बस अड्डों की तरह, वहाँ भी वही भीड़ भम्मड़ रेलम पेल। अब तो चांद मंगल की यात्रा में ही बच गया है एडवेंचर। मैंने कुछ सानेट भी लिखे, गीत गजल भी लिखता रहता हूँ, और मैं सानेट और गीत गजल को कमतर नहीं मानता कविता से। शुरू शुरू में तो लगता था कि बस ये छंदमुक्त कविता या जो कुछ है निराला के बाद उनके नाम के साथ टैग, वही है सब कुछ। पर जब थोड़ा सा विकास हुआ, फिर निराला के ही गीतों को पढ़ा, टैगोर को की बहुत सारी कविताएं पढ़ी, तब लगा कि अरे गीत भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, या लगता है कि कोई भी बात महत्वपूर्ण है। अगर आप महत्वपूर्ण बात को किसी फॉर्मेट में कहेंगे, गीत गजल सॉनेट कविता कहानी रपट, सब महत्वपूर्ण है। मेन है कि बात, शमशेर कहते हैं बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। तो सॉनेट स्वाभाविक है कि हिंदी में तो त्रिलोचन ने सॉनेट लिखे हैं, तो मैंने उन्हीं के तमाम संकलन पढ़े थे। हालांकि हमने ढांचा कुछ उनसे अलग, जो हिसाब किताब थोड़ा होता है वो अलग बनाया। विजेंद्र जी ने भी सॉनेट लिखे हैं, लेकिन तब तक मैंने विजेंद्र जी को नहीं पढ़ा था। तो एक सॉनेट, भीतर कैसी दो उथल पुथल है, भीतर कैसी दो उथल पुथल है, भावों का रेला चलता बैठा विचार हाथ मलता है। भावों की हत्या मैं कर दूं, पर अभाव में मेरा जीवन है, जीवन को कुछ लंबा कर दूं और ठौर फिर कहाँ मिलेगा। अब बची हुई कितनी आँखें हैं जिनमें जल है, बाकी तल है सूखा घटघट का जिसमें अर्थ भरा है। व्यर्थ किसे कैसे कर दूं मैं, किस किस अनर्थ को। बंधन कोई नहीं पर सर पर बोझा है, इसको साधे दौड़ूं तो खप जाए जीवन। इसी साधना में और आराधना बाकी रह जाए जन जन की। बोझों में बंधा हुआ जीवन है पल पल मरता, जो उचित कहीं मिलता जल वायु मिलती, तब छोड़ इसे मैं दौड़ चला जाता जनपथ पर। यह जनपद त्रिलोचन जी का ही है। एक कविता है अरुण कमल की, स्मृतियां इसमें हैं। हालांकि उनकी कविताओं पर जो लिखता हूं सब उनके खिलाफ चला जाता है, हालांकि मैं ऐसा खिलाफ और पक्ष में सोचता नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ गड़बड़ी है कि प्रिय कवि को भी जब लिखने बैठता हूँ तो भीतर लगता है कि ये आलोचक कोई दूसरा जीव है। वो कंधे उचकाए कहता है कि कवि हो भाई, प्रिय कविता है ठीक है, लेकिन यहाँ तुम्हारी बहुत चलेगी नहीं। लेकिन ये कविता है तो कभी इस कविता पर आलोचक महोदय की भी नहीं चलेगी। तो ये कविता सुनिए, पितरिया लोटा। बैठते ही पानी के लिए पूछते हैं अरुण कमल, देखता हूं बड़ा सा पितरिया लोटा उठाए चले आ रहे हैं। अरे रे, आपके हाथ में यह लोटा है या पृथ्वी है पूरी। अरे रे, आपके हाथ में यह लोटा है या पृथ्वी है पूरी।
अपनी सुगंध, अपनी नदी, अपने तेज के साथ महानगर की इस कोठली में सूर्य की तरह उद्भासित होता यह लोटा, इसका भार उठाए कैसे लिख लेते हैं आप ऐसी सुषुम गुनगुनी कविताएं? फिर ग्लास में ढाल पिया जल तो पितरैला स्वाद उसका चमकने लगा नसों में मेरी। किताबों से अटे उस कमरे पर भारी पड़ रहा था वह लोटा, स्वाद बदाकर उलट दिया उसे। अह रह क्या फैल गया कमरे में, सुगट्टू भोरे भोर डाल से चुए सिनुरिया आम, हाथ भी मीजने के लिए खेतों से ली गई मिट्टी, और यह जल सोनभद्र का, इसमें दाल अच्छी पकेगी। भाई आवाज आवाज आ रही है कहीं मैं दीवार को तो संबोधित नहीं कर रहा हूँ यही दिक्कत है इसमें भाई, इस मीडिया में। अच्छा अरे इसमें सब लोग तो कमेंट आ रहा है, हमको अभी तो देखना ही नहीं आ रहा था अच्छा इस बार अर्पण जी के आग्रह से ये सब हम सीख जा रहे हैं, और व्यवधान बीच में पड़ रहा है, उज्बक की तरह बोल रहे होंगे तो आप लोग अगली बार थोड़े ठीक से बोलेंगे। एक सोनेट और, इकलौता तारा जलता पश्चिमी क्षितिज पर, डूब अभी जाएगा क्षण में मानस पट पर। इकलौता तारा जलता पश्चिमी क्षितिज पर, डूब अभी जाएगा क्षण में मानस पट पर। उग आएगा तब वह और प्रज्वलित होकर, दिप दिप करता हुआ जलेगा, इत उत फिरता हुआ अंत में वो थिर होगा, उर्मे मेरी आँखें बनकर। अंतस को मेरे भर देगा मधुर ज्वाल से, और काल से टक्कर लेगा डटकर, रह जाएंगी उसकी आंखें फटकर। काल ढाल है चुके हुओं का, झुके हुओं का, जो जीवन रन छोड़ चुके, मोड़ चुके हैं मुख सकाल से, पर जिनकी सुबहें नहीं भरोसे किसी सूरज के, कहीं किसी एक तारे की धुंधली धुन पर चलते रहते, हल्की सी भीगी उजास में आस छिपाए विलम विलम कर। सकाल मतलब सुबह होती है, एक गीत भी सुना देते हैं, सारी बेवकूफियां जाहिर हो जाए। ये गीत 1998 में लिखा गया है, फैज अहमद फैज को समर्पित है ये, स्वाभाविक है कि उनका असर होगा इस पर। एक सितारा टिमटिमाता रहा सारी रात, एक सितारा टिमटिमाता रहा सारी रात, वो सुलाता रहा और जगाता रहा, पहलू में कभी कभी आसमान पर वह उनिंदे की लोरी सुनाता रहा। एक सितारा टिमटिमाता रहा सारी रात, रूप उसका समझ में क्या आए कभी, रूप उसका समझ में क्या आए कभी, रोशनी उसकी पल में आए जाए कभी, खुशबू उसकी और उसके पैरहन, सपनों से नींद में आता जाता रहा। एक सितारा टिमटिमाता रहा सारी रात, रंग उसका और उसकी आवाज़ क्या, रंग उसका और उसकी आवाज़ क्या, लाऊं आखर में मैं उसके अंदाज क्या, रूबरू उसके आँख टिकती नहीं, रूबरू उसके आँख खुलती नहीं, भोर तक उस पे नजरें टिकाता रहा। एक सितारा टिमटिमाता रहा सारी रात, पलकों पे सबनम की बूंदें हैं अब, पलकों पे सबनम की बूंदें हैं अब, और रंगत फलक की श्वेताब है, सूरज आएगा इनको भी ले जाएगा, मानी क्या मैं रोता या गाता रहा। एक सितारा टिमटिमाता रहा सारी रात, तो काफी हो गया होगा लगता है, कितना अब सुनाया जाए भाई।
अर्पण जी 1 घंटा बोले हैं, 1 घंटे में तो प्राण निकल जाएंगे पूरे। प्रकृति हमारी कविताओं में रही है पहले और अभी भी प्रकृति को ही मैं सर्वाधिक महत्व देता हूँ। अच्छा, एक कविता है महानगर में लड़कियाँ, 1995 की कविता है ये। दो लड़कियां रिक्शे पर हैं, सिर पर पोनीटेल में टके हैं सफेद फूल, हल्का अंधेरा है और उन्हें निहारने में बल पड़ रहा आंखों पर। लड़कियों के दिखने का लहजा सुंदर है, पर रिबन के सफेद फूल ज्यादा खिल रहे हैं। जा चुका है रिक्शा, सिर पर टके फूलों की गंध याद कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ उनका चेहरा कि महुए की तीखी गंध डुबो लेती है अपने में। महानगर में अब भी तीखा है महुआ, अब भी सुंदर हैं लड़कियां यहाँ। यह कविता है, एक शाम थी वह, उस समय इस इलाके में आसपास मकान जो हैं सो बने नहीं थे और हम और हमारे पड़ोसी हैं राजू रंजन प्रसाद जी, तो उस जमाने के वही साथी रहे सारे लेखकों के यहाँ, नवल जी से लेकर मनी जी तक और खगेंद्र ठाकुर से लेकर के आलोक धनवा जी तक, सबके यहाँ हम लोग साथ जाते थे, लड़ते झगड़ते बहस करते थे। नवल जी से तो बहुत बहस होती थी उस जमाने में, लेकिन नवल जी का था कि भाई कभी भी वो हतोत्साहित बहस में भले करते हों लेकिन मिलने जुलने ही सबसे वो नहीं बचते थे, जैसे ही कुछ सुकोमल कवि करते हैं। आलोक जी से भी उस जमाने में मुठभेड़ें होती थी, लेकिन वो शिक्षित होने पर उनका जोर होता था। मुझे लगता था कि भाई महाकवि हैं, हमारे प्रिय कवि हैं अभी भी और शुरू से रहे हैं, तो भाई महाकवि हैं, इनसे मिलने गए हैं तो कुछ कविता वविता पर बात हो। ये क्या कि इतिहास पढ़ने की सलाह दे रहे हैं और ये पढ़ी और वो पढ़ी, लेकिन लगता है कि वो बहुत सही उस समय कर रहे थे और जो विकास उकास हुआ है वो इन लोगों से, इन मुलाकातों का असर है। तो ये कविता, एक शाम थी वह, डूबते सूरज का अब कोई दबाव नहीं था, एक तारा था ऊपर आकाश की अंगुली सा, खेत की मेड़ थी और था एक कुआं, टीले थे पास कई और एक पीपल खड़खड़ाता तिलंगों सा चैत में। कुछ दूर भेड़े थीं मैं माँ करती हर हो करते चरवाहे, मैंने सोचा यही जीवन है। सफेद जूते मैदानों में अंधेरा उतर रहा था धीरे धीरे, जैसे लोरी में उतरती है नींद। फिर रह गया अंधेरा ही, रह गई हवा बतलाती कि वह भी है। अब निकलेंगे पतंगे अंधेरे कोटरों से, बिलों से सांप निकलेंगे, दरारों से ऊपर आएंगे बिच्छू। अब अपने बच्चों को खोजती टिटहरी दौड़ेगी इधर उधर चिचियाती खेतों में। बहती नदी में चांद, ये कविता जनपथ में छपी थी, छोटी सी कविता। बहती नदी में खूब झलफलाता है चांद, बहती नदी में खूब झलफलाता है चांद, जैसे चिड़िया नहाती है सुबह की धूप में और मछलियाँ चांदनी में फंसती हैं इस तरह कि चली आती हैं दूर तक और लौट नहीं पाती हैं। चांदनी में नदी नहाते लोग लगते हैं सोंस से और दूर से आती नाव घड़ियाल सा मुंह फाड़े आगे बढ़ती जाती है। अब खत्म करते हैं, अब देखते हैं अर्पण जी से बात करना होगा, कहाँ बंद करना है।
हेलो। हाँ तो अब इसको ख़त्म करते हैं, तो इसमें लाइव लाइव वीडियो समाप्त करें, इसी को क्लिक करना होगा ना। फिनिश कहाँ है, वही तो समाप्त करें, फिनिश ही ना हुआ। और कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, हाँ इधर इधर आ रहा है, सेटिंग में स्ट्रीम देखने के विकल्प कमेंट। नहीं, उसमें और तो कुछ नहीं आ रहा है भाई। हाँ फिनिश के लिए समाप्त होगा। हाँ अरे चलिए अभी तो लोग सुने ना। हाँ आप कैंसिल करें, समाप्त करें, समाप्त करें, आ रहा है फिर। भाई तो हम हिंदुस्तानी हैं, सब हिंदी में है हमारा। हाँ अगर आप इस लाइव वीडियो को अभी समाप्त करते हैं तो आप यह चुन सकते हैं। हाँ ठीक, समाप्त करने के बाद ही चुनना है।